अब डेरिवेटिव्स के कुछ एम टाइम्स एक्स रेज़ टू फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एट हमें फाइंड करना है डी वाई बाय डी एक्स अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइव तो एक्स क्यूब का डेरेवेटिव थ्री एक्स स्क् माइनस 7 एज इट इज डेरेवेटिव ऑफ एक्स स्क्ता है टू एक्स प्लस एक्स का डेरेवेटिव 1 एंड ये एट तो कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरेवेटिव आएगा जीरो सो माइनस जीरो सो फाइनली वॉट वी गेट इस फोर फाइव जो हो जाएगा ट्वेंटी एक्स क्यूब थ्री थ्री दैट्स नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन इंटू टू दैट्स फोर्टीन एक्स प्लस वन और अगर ऑप्शन देखते हैं तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इफ वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ टू एक्स वाई है रूट ऑफ टू एक्स प्लस थ्री रेज टू टू एक्स फाइन डी वाई बाय डी एक्स अब ये जो क्वेश्चन है ये चेन रूल पर बेस्ड है तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वाई बाय डी एक्स हमें मिलता है अब इसे हम रूट एक्स कंसिडर करते हैं और रूट एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है इट इज वन अपॉन टू रूट एक्स तो इसे अगर हम एक्स एज्यूम करते हैं तो यह आएगा वन अपॉन टू रूट टू एक्स इसे हमने एक्स एज्यूम किया है तो जिसे हम एक्स एज्यूम करते हैं आगे उसके डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इन टू डेरेवेटिव ऑफ टू एक्स तो यहाँ पे हमने चेन रूल यूज किया प्लस अब थ्री रेस टू टू एक्स दिस इज ऑफ टू एक्स इसे अगर हम एक्स एज्यूम करते हैं तो ए रेस टू एक्स का डेरेवेटिव होता है ए रेस टू एक्स इन टू लॉग एज लॉ जिसे हमने एक्स एज्यूम किया है उसका डेरेवेटिव टू एक्स इन टू डेरेवेटिव ऑफ टू एक्स तो ये सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आएगा वन अपॉन टू रू टू एक्स इन टू ये टू एक्स का डेरिवेटिव तो आता है टू प्लस थ्री रेस टू टू एक्स इन टू लॉक थ्री इन टू टू लेट अस सिंप्लीफाई दिस अब यहाँ पे ये टू और ये टू तो कैंसिल आउट हो जाता है तो ये आता है वन अपॉन रूट ऑफ टू एक्स प्लस इसे हम री कर रीअरेंज करके लिखते हैं तो यह आ जाएगा टू इन टू थ्री रेस टू टू एक्स इन टू लॉक थ्री अब कैलकुलस में लॉक का बेस बाय डिफॉल्ट इज टेकन एज ओके तो इसका सही आंसर ये है और ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे आता है आंसर एज ऑप्शन बी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर हमें वाई दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच डी बाई डी एक्स जीरो पहले तो हम इधर वाई बाई डी एक्स झूठ लेते हैं सो डी वाई बाई डी एक्स टू टू इन टू अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स प्लस थ्री टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्स माइनस थर्टी सिक्स इन एक्स का डेरिवेटिव वन एंड सेवन का डेरिवेटिव ज़ीरो तो ये सिंप्लीफाई करने पर टू थ्री जी हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस थर्टी सिक्स ये हमें मिला डी वाई डी एक्स या फिर अगर हम सिक्स कॉमन ले लें बाहर तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स अब हमें पूछा गया है एक्स की कौन सी वैल्यू पे डीवाई बाई डी एक्स जीरो हो जाता है तो हम ऑप्शन मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं पहला ऑप्शन ए दिया है टू ओके okay? तो ऑप्शन ए चेक करते हैं यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स एड एक्स इक्वल टू टू लेट्स क्या आंसर आता है सिक्स इन टू टू स्क्र इज फोर प्लस एक्स की वैल्यू टू माइनस सिक्स तो यह तो, तो इसका सही आंसर आ रहा है ऑप्शन ए अभी यहाँ पे बी ये भी दिया हुआ है राइट ऑप्शन डी में बी वाला ऑप्शन भी है तो माइनस थ्री के साथ भी एक बार चेक कर लेते हैं तो ए तो डेफिनेटली है ऑप्शन बी चेक करते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री इसमें माइनस थ्री हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं तो सिक्स इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर होता है नाइन देन प्लस माइनस थ्री सो बेसिकलीट्स माइनस थ्री और ये माइनस सिक्स सो सिक्स इन टू अभी नाइन माइनस नाइन हो जाता है जीरो फाइनल आंसर आता है जीरो तो एक्स इक्वल टू टू ये भी सैटिस्फाई हो रहा है एक्स इक्वल टू माइनस थ्री ये भी सैटिस्फाई हो रहा है इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बोथ ए एंड बी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते एफ एफ एक्स इज एक्स क्यूब फंक्शन दिया है एफ एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस टू पी एक्स स्क्वाजी फाइंड पी तो पहले तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं एफ डैश एक्स ढूंढ लेते हैं हम इसका डेरिवेटिव आएगा थ्री एक्स स्क् फिर माइनस टू पी इन स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स का डेरेवेटिव फाइव का डेरिवेटिव आएगा जीरो हमें मिल गया यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यह आएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर पी एक्स माइनस फोर अब हमें दिया गया है एफ डैश टू इज जीरो तो पहले इसमें हम टू सब्सिट्यूट कर देते हैं सो दे फो एफ डैश टू यह आएगा थ्री इंटू टू स्क्वायर माइनस फोर पी इंटू टू माइनस फोर बट f डैश टू की वैल्यू दी है जीरो तो हम लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल टू अभी फोर थ्री सा हो जाता है ट्वेल्व फोर इंटू टू इज एट सो माइनस एट पी माइनस फोर सो ट्वेल्व माइनस फोर या आता है एट माइनस एट पी इज इक्वल टू जीरो रीअरेंज करने पर मिलता है एट पी इज इक्वल टू एट तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलती है पी की इक्वल टू वन सो द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू वन ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन आता है सी सो पी इज इक्वल टू वन ओके सो दिस वॉज द फोर्थ क्वेश्चन अब एक और क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस टू फाइन वाई बाई डी एक्स अभी नेचुरल लॉग नहीं दिया है बिकॉज इसका बेस ई e नहीं है तो हम डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते हैं तो पहले हम यहां पर यूज करेंगे चेंज ऑफ बेस थियोरम ओके तो चेंज ऑफ बेस थियोरम से हम इसे बेस ई e वाले लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग एक्स टू द बेस ई और नीचे आ जाएगा लॉक टू टू द बेस बेसी और अब अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं dy वाई बाई तो ये वाला तो कांस्टेंट टर्म है यानी वन अपॉन लॉक टू टू देश दिस इज कॉन्स्टेंट इन टू इसका कोई हो गया तो इसे हमने साइड कर दिया इन टू डेरेवेटिव ऑफ लॉग एक्स टू द बेस एंड हमें पता है डेरेवेटिव ऑफ लॉग एक्स होता है वन बाय एक्स तो ये आ जाता है वन अपॉन लॉक टू टू द बेस ई इंटू वन बाय एक्स अब ऐसा कुछ ऑप्शन दिया है चेक करते हैं यस uh, yes, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी वन बाय एक्स इंटू लॉक टू बेस ई तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसे चाहे तो हम ऐसे कंबाइन करके लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स इंटू लॉक टू टू द बेस ई